उदयपुर में गुरुवार को कोरोना के 92 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं, जिसको लेकर अब जिले में 3,579 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। लगातार कोरोना की वजह से लोग मर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं, जो गंभीर परिणाम दे सकती है। सीएमएचओ डॉक्टर दिनेश कराड़े के मुताबिक शहरी क्षेत्र में 66 जबकि ग्रामीण क्षेत्र में 26 कोरोना पॉजिटिव गुरुवार को मिले हैं। 17 कोरोना वॉरियर्स भी इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। 43 ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना संक्रमण हुआ है, लेकिन कॉन्टैक्ट हिस्ट्री में उनको ये संक्रमण कहाँ से फैला इसके बारे में पता नहीं चला है। इसके अलावा 2 प्रवासी भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। क्लोज कॉन्टैक्ट में आने की वजह से 26 लोग पॉजिटिव मिले हैं। लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, ऐसे में सावधानी जरूर ही है, लेकिन लापरवाही के आगे संक्रमण बढ़ रहा है, जो सितंबर के माह में घातक परिणाम दे सकता है। नगर निगम द्वारा शहर में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया जा रहा है। गुरुवार को भी निगम की टीम ने दिल्ली गेट से सूरजपुर चौराहे के बीच मुख्य सड़क पर रखे सभी वाहनों को सैनिटाइज किया। निगम शहर के भीड़भाड़ वाले इलाकों में लगातार सैनिटाइजेशन का काम कर रहा है, जिससे संक्रमण फैलने से रोका जा सकता है। उदयपुर में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में संक्रमण रोकने के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में जनता को भी चाहिए कि वह भीड़भाड़ वाली जगह से बचें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क का प्रयोग करते हुए हर कुछ देर में हाथों को साफ करें।